हाँ जी, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। काफी दिनों बाद मैं आज आ रहा हूँ। आज आपका कितना है, 7 नवंबर 2022 है। मैं कहूँ कि आप लोगों को आकर के थोड़ा सा इंटीमेट करूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ किस चीज़ के रिगार्डिंग। आपका बीएसएफ का जो आरओआरएम का फॉर्म है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दिया था, जब असम राइफल के लोग तैयारी कर रहे थे वैकेंसी में, अपना आप रैली में जब देखने जा रहे थे तो बता दिया था कि उसमें ट्रेड टेस्ट में इतने ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक और ऑप्शन है कि आप उसमें बीएसएफ का फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, आपका जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा। वहीं पर मैं आपको नोटिफिकेशन 16 MB का कितने का था टेलीग्राम में सेंड कर दिया, ताकि आपको वहाँ से पता चल जाए, आप पूरा वहाँ पर नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए उसके। तो वहाँ पर आपका क्लियरली मेंशन कर दिया गया था डेट कितना, 20 नवंबर 2022 दिन है संडे। संडे को आपका पेपर है, दो शिफ्ट में होगा, पहले शिफ्ट में आरओ आरएम का आरओ होगा, फिर आरएम का होगा, इसी तरीके से है। उसमें टाइम 10 बजे से फिर 2 बजे से, इस तरीके से नोटिफिकेशन है। मैं आपकी स्क्रीन पे भी शो कर दे रहा हूं कैसे क्या है। आप लोग बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोगों कितना तैयार किए हैं, उसी में आपका सिलेबस है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मैं सिलेबस को भी शो कर दे रहा हूं, तो यही आपका सिलेबस है जिसमें फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, मैथ है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब आप तैयारी कैसे किए हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी आपका क्या प्रोग्रेस स्टेटस क्या चल रहा है, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कहा कि एक ऐसे ही वीडियो बना करके आपको, आपसे थोड़ा जानकारी ले लिया जाए और आपको जो भी है जानकारी दे दिया जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एचसीएम, बीएसएफ एचसीएम के पेपर के बारे में, इन सब के बारे में। मिलता हूँ इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर, जय हिंद।